दोस्तों, मैं आपका जुनून एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देख, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिनों में एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो 2017 में पेपर हुए थे उनको चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन हमारी पहली सीरीज देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति क्या होगी। ठीक है, आपको तीन आकृति दी हुई हैं, आपको चौथी आकृति बताना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने कर लिया होगा। देखो उसमें क्या दिया था कि तीन आकृति दी है उसमें। देखो पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति। तो उसमें क्या है, देखो पहली आकृति में क्या हुआ है, पहली आकृति ये, तो दूसरी पहली आकृति को मद्देनजर रखते उसने दूसरी आकृति बनाई है। ठीक है, देखो पहली आकृति में दो जी खाली है, तो उसने इस पलट दिया, इसको इधर रख दिया है, इसको इधर रख दिया दूसरी आकृति में। ठीक है, और इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया। ऐसा ही तीसरी आकृति में है, वो अपनी चौथी आकृति में करना है। ठीक है, तो जो 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 पहला खाना है वो इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा, और ए वाला खाना इधर जाएगा और ए वाला खाना उधर पहुंच जाएगा। जैसा देखो, जैसा कि मैंने आपको बना के रखा है। ठीक है, ऑप्शन नहीं थे इसलिए मैंने बना दिया इसको। देखो इसको इधर रख दिया, तो इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया और इसको इधर रख दिया। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन अगली बार में देखो कौन सा था तीसरे नंबर का, इसमें आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इनका औसत ज्ञात करना है। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, उसमें आपको सॉल्व करना है। चलो देखो, उसमें निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का मान। तो संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या है, 1/2, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/15। संख्या कितनी है, 4। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा। फिर ऊपर क्या आ गई, 15, 15 × 30 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 2/4। ठीक है, ये करना है। तो इनको इनको योग करेंगे कितना हो रहा है, 15, 6, 10, 2, 33। कितना हो रहा है, 33, 33/30 बटे 4। पलट देंगे उसके लिए अपन, तो 4 यहीं आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
10, तो क्या आएगा 11/40, 11/40 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल 84 है, दूसरी संख्या पहली से 33.3% अधिक है और तीसरी संख्या पहली और दूसरी के योगफल से 40 अधिक है। करो आप। देखो बोल रहा है तीन संख्याओं के बल 84 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या 33.3% अधिक है और तीसरी संख्या पहली और दूसरी के योगफल से 40% अधिक है। पहले क्या करते हैं, पहली संख्या लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, उसने बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से 33.3% अधिक है, 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, 3 है, दूसरी संख्या 4 है। अब वो बोल रहा है कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या के योगफल से 40% अधिक है। ठीक है, ये तो क्या अपनी अनुपात में आ गई है। ठीक है, इनको बड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको बन 40-30 कर लेंगे, इसको बन 40 कर लेंगे, तो इनका योग कितना आएगा 70, यानी कि पहली और दूसरी संख्या के योगफल से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, वो 40% अधिक है। ये अपनी तीसरी संख्या निकल आएगी, 2 जूर से 2 जूर कटे 14, 97, 98 अपनी दूसरी तीसरी संख्या आ गई, 98 अपनी तीसरी संख्या आ गई है। ठीक है, ये अपना अनुपात में आया है। ठीक है, इसको अपन छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 2 से काट लो इसको, 15 आएगा पहली संख्या, दूसरी 20 आ जाएगी और तीसरी तीसरी 49 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में देख लो, ये वाली संख्या है चौथे नंबर पे, 15, 20, 49, इनका योग करोगे तो 84 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत निकालना है। ठीक है, आप औसत औसत निकालिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ओनली 30 सेकंड ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। ओके, समय आपका आउट हो गया है। तो देखो औसत निकालना है, औसत निकालने में क्या करना पड़ता है, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं आती हैं, तो योग कितना है, योग तो आप जोड़ लोगे तो इनका योग आएगा 306, 306 इसका योग आएगा, इसको तो आप जोड़ लोगे ना, 306 योग आएगा। संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 तो 51 इसका औसत आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में अक्षरों और संख्याओं का क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। ठीक है, गलत संयोजन पहचानना है आपको।
करो। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4, चार में से कुछ तीन तो समान होंगे, एक असमान होगा, उस असमान को छांटना है आपको, ठीक है? देखो अपने को इसमें छांटना अलग कौन करना है, देखो डब्ल्यू 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 इसमें दिया है, ऐसे करना है, एक्स एक्स में दिया है, ई ई इसमें दिया है, बी 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 इसमें दिया है, डब्ल्यू 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 इसमें दिया है, 56104 56104 56104 56 56 56 01 56 01 56 01 चारों में दिया है, देखो डब्ल्यू 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 दिया है, देखो बी बी लेकिन इसमें यू दिया है, इसका ध्यान रखना है, इसमें क्या दिया है, इसमें यू दिया है, तो कौन सा नंबर का, तीसरे नंबर का, इसमें तीसरे नंबर का मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक पुरुष से उसकी आयु के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि उसकी आयु एक समबाहु त्रिकोण के एक कोण के मान के बराबर है, तो व्यक्ति की आयु कितनी है, व्यक्ति की आयु कितनी है, ठीक है? उसने बोला था कि उस उत्तर दीजिए, एक एक आयु एक समबाहु त्रिकोण के एक कोण के मान के बराबर है, तो आपको तो मालूम होगा ये त्रिकोणमिति से लिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिकोण मतलब होता है तीनों कोण बराबर होते हैं, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो एक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री तो उसका आंसर है, ठीक है, चौथा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को वर्ष में अपनी आयु बताने को कहा गया तो उसने क्या दिया, मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए, मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए, 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए, फिर उसमें उसे 5 से गुणा कीजिए और फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना से घटा दीजिए, आपको पता चलेगा कि मेरी आयु कितनी है, उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी।
देखो करते हैं। उसने उत्तर दिया, मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए। अगर उसकी वर्तमान में एक्स है तो 5 वर्ष बाद की कितनी होगी, एक्स माइनस पाँच होगी। 5 वर्ष बाद की मतलब 5 वर्ष पीछे की, एक्स माइनस पाँच होगी। लीजिए फिर उसमें 5 से गुणा कीजिए। चलो 5 से गुणा कर दो अपन ने, और फिर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु लीजिए। सॉरी 5 वर्ष बाद की आएगी तो एक्स प्लस 5 आएगी, उसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, उसने कहा है इसके बाद क्या करना है, 5 वर्ष, उसने कहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु ले ली बनने एक्स माइनस 5। तो उसमें किया, उसने कहा 5 का गुणा कीजिए। चलो 5 का गुणा कर दिया, तो गुणा से घटा दे, इससे घटा दिया अपन ने, तो पता लगेगा मेरी आयु कितनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5x+25 माइनस 5x, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 25 हो जाएंगे, 5x से 5x कट जाएंगे, कितना आएगा 25 25, 50 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। देखो दूसरे समझाता हूँ इसको, ठीक है। उसने कहा है कि उसका उत्तर था, मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए। मेरी आयु को 5 वर्ष वर्तमान की, 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए। ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु ली अपन ने, फिर 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दिया उसने अपन ने कहा। फिर कहा है और फिर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की आयु लीजिए। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना, मेरी आयु का 5 गुना से घटा दिए, इससे मैंने घटा दिया, तो आपको पता चलेगा कि मेरी आयु क्या है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर आया कितना, 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में 32 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है और एक अन्य कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है, यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों का संयोजित कर दिया जाए तो औसत वजन क्या होगा। ठीक है, ठीक है। उसने कहा था कक्षा में 32 छात्रों का औसत वजन कितना है, 44 किलोग्राम है, यदि एक अन्य कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसका औसत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 32 × 44, 44 कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग ज्ञात कर लेंगे पहले, तो कुल योग 40 × 38। अब कुल छात्र कितने हैं, 32 पहले के थे और 40 अब एक हैं, कितने हो गए 72 छात्र हो गए। ठीक है, अब इनको इंटू करेंगे, 32 चौको 128, 8 हो गए, 32 चौको 128, 12 1408 प्लस इतना होगा 4 8 है 32, चलिए 3 4 12 1520 बटे 72, इसका योग कितना आएगा, 8 2 5 4 9 और 2 29 28 बटे 72। ठीक है, 29 128 बटे 72, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किससे करेंगे ना, 8 से करेंगे, 8 9 72, 8 1 8 38 24, 2 8 6 8 6 48, 8 6 48, इसमें अपन 9 से पर भाग देंगे, 9 चौको 36, अब भागने जाएगा 0, अब 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54 40 पॉइंट
छः छः कहीं है ऑप्शन में, 40.66 पहला ऑप्शन है, ठीक है। उसने कहा था कि 32 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, ठीक है, तो उस 40 छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों को संयोजित कर दिया जाए, दोनों कक्षाओं के छात्रों को मिला दिया जाए तो औसत वजन प्राप्त करें। तो देखो 32 छात्रों का कुल 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 योग कितना होगा, 32 छात्रों का कुल वजन कितना होगा 1408, और 40 छात्रों का कुल वजन कितना होगा 1520। इनको अपन ने जोड़ दिया और फिर कुल छात्र के 72 छात्र हो गए थे। 72 छात्र से कुल योग कितना आया था 2928, कुल वजन आ गया था 72 छात्रों का। तो 2928 में अपन ने 72 छात्रों का भाग दे दिया तो कितना आएगा 40.66 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए मैं आपको ओनली 30 सेकंड दूंगा, ठीक है, 30 सेकंड में करना है इसको आपको। टाइम आउट हो गया। एक फल विक्रेता 80 रुपए में 200 सेब खरीदता है, मात्र 80 रुपया में 200 खरीदे, उसने 100 रुपया बेच दिए, और उसका क्रय मूल्य कितना, 80 रुपया उसका क्रय मूल्य था, 100 रुपया बेच दिए, तो उसका लाभ ज्ञात करना। अगर उसने 80 रुपया की चीज उसने 100 में बेच दी तो लाभ कितने का हुआ, 20 का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 80 पे हुआ। उसके लाभ परसेंट ज्ञात करना है, बस इसको काट दो 20 चौको 80, 4 से काट दो 25, 25% इसका आंसर है, ठीक है। अगला सॉल्व कर लो, इसको सरल करना है, करो इसे सरल। इसको सरल करना है, अब इसे सरल करना मतलब छोटा करना है। किससे होगा, 9 दुनी 18 हो गया, 9 पन्ना 45 होगा, 9 8 72 ये ऑप्शन में, 2 5 8, 2 5 8 तीसरे ऑप्शन में इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको सरल करना था ना, सरल हो गया। अब बोला है कि 3x बराबर x k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए x बराबर 2 एक सरली एक समीकरण x 3x² - 2kx + 5 = 0 का एक मूल है, ठीक है। उसमें देखो कोई कोई दिक्कत नहीं है, x का मान रख लेते हैं। देखो x बराबर क्या 2 है, तो 3 × 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 2, अगर 3 × 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया, -2k × 2 + 5 कितना हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 4k + 5 हो गया, ठीक है। अगर इस बार ये माइनस के 4k है, बराबर क्या था, 0 चल रहा था इनका, बराबर बराबर 0, ठीक है। तो और 12 और 5 17 उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है, 12 12 5 17 उधर पहुंच जाएंगे, तो माइनस के 17 हो जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या होगा, सॉरी के बराबर, के बराबर क्या हो जाएगा, 4k = 17, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 17/4, 17/4 का ही आंसर है, हाँ तीसरे ऑप्शन 17/4 आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन को सरल करना, ठीक है, आपका कीजिए तब तक। ठीक है, करते हैं। उसमें लिखा है
पच्चीस इंटू तीन बटे पंद्रह प्लस तीन बटे पच्चीस इंटू तीन बटे पंद्रह इंटू टू इंटू पाँच का मान ज्ञात करना। ठीक है, तीन एकम तीन, ती पाँच हैं पंद्रह, पच्चीस पंचे पाँच, पचम पच्चीस, तो पाँच प्लस दस बराबर पंद्रह, इसका आंसर आ जाएगा पंद्रह, ऑप्शन में तीन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए बी से दो घंटे अधिक लेता है, यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो वो बी से एक घंटा कम लेगा, ए की चाल ज्ञात करें। ठीक है, इस समय एवं दूरी से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो करते हैं। उसने कहा है कि ए की चाल ज्ञात करनी है, इसको अपन ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, पहले तो अपन एक छः को एक दो ऑप्शन नंबर दो ऑप्शन नंबर तीन ले लेते हैं। ठीक है, पहले अपन छः लेते हैं। उसने कहा है अगर छः ले ली, अगर मान लो छः अपन ने छः किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो तीस 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 किलोमीटर है ना, अगर छः किलोमीटर प्रति घंटे से तीस किलोमीटर क्या पार कर दे, वो पाँच में कर दे। उसने कहा था अगर ए पाँच में कर देगा, पाँच घंटे में कर देगा, तो बी कितने में करेगा, दो घंटे अधिक लेता है ना, तो बी तीन में करेगा। ठीक है, अब बी तीन में करेगा। अब फिर वो ला है कि अगर ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, अब दोगुनी बारह कर देगा, बारह घंटे बारह किलोमीटर प्रति घंटे कर देगा ना वो, तो बारह एकम बारह बन जो एक बार छत्तीस छत्तीस, ये तो कैंसिल हो गया यहीं से। ठीक है, इसको हटा दो क्योंकि तीस कटना ही रहा ना, तो ऑप्शन नंबर तीन लेते हैं अपन, पाँच किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पाँच किलोमीटर प्रति घंटे से ए चलता है तो तीस किलोमीटर कितने घंटे में ले लेगा, छः में ले लेगा, तो बी कितने को, बी बी को समय कितने लगेगा, चाल लगेगा। ठीक है, इन तक सिद्ध हो गया ए, इन तक यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे, अगर पाँच है ए की चाल कितनी है पाँच है, अगर ए अपनी चाल को दोगुनी कर देगा, दोगुनी कर देगा तो दस हो जाएगी, ए अपनी चाल को दोगुनी कर देगा ना, दोगुनी कर देगा तो तीस किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा, तीन घंटे लगेंगे, तीन घंटे लगेंगे, तो वो लाया दोगुनी कर दे तो बी से एक घंटा कम लेगा। सही है, बी चाल ले तो एक घंटा कम लगो। ठीक है, एक लाने ये ऑप्शन, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, चार, इसको अपन ने ऑप्शन से कर दिया है। ठीक है, अगर लंबा करेगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित मामले में आठ पुरुष एक कार्य को बारह दिनों में कर सकते हैं, छह दिन कार्य करने के पश्चात दो और पुरुष शामिल हो जाते हैं, उन सबको शेष कार्य को पूर्ण करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, ठीक है, एक निश्चित मामले में आठ पुरुष एक कार्य को बारह दिन में करते हैं, आठ पुरुष एक कार्य को बारह दिन में कर लेते हैं, इसके बाद वो बोला है, इसके बाद वो बोला है कि छह दिनों में कर सकते हैं, छह दिन कार्य करने के पश्चात बराबर छह दिन कार्य करने के पश्चात दो पुरुष और शामिल हो जाते हैं, मतलब उसी कार्य को, मतलब उसने बोल रखा है अगर आठ पुरुष करें ना तो उस काम के लिए बारह दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, अब उसने बोला है कि छह दिन कार्य करने के पश्चात आठ इंसानों ने काम कितना किया, छह दिन, आठ पुरुषों ने छह दिन कार्य किया, पश्चात दो पुरुष और आ गए, मतलब अब कितने पुरुष हो गए, अब कितने हो गए, दस पुरुष हो गए, अब कितने दिन लगेंगे, मतलब एक्स दिन लगेंगे, तो पुरुष शामिल हो जाते हैं उन सबको शेष कार्य को,
मतलब एक्स का मान याद करना है अपने को, ठीक है। 12 8 96 बराबर 8 6 48 प्लस के 10 x, 48 इधर जाएंगे तो 48 ही बचेंगे ना, 96 में से 48 बचे बराबर 10 x, तो इसको अपन 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 24 जाएंगे बराबर 5 x, तो यहाँ करते हैं तो x बराबर कितना आएगा, 24/5, 5 × 20, 4 सही 4/5, कहीं ऑप्शन में दिया होगा 4 सही 4/5, ऑप्शन नंबर 2 इसका मैच करता है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा समझा लेता हूँ, ठीक है आपको। उसने कहा है कि 8 व्यक्ति 12 दिन में काम कर लेते हैं, मतलब कोई काम है उस काम के लिए 8 व्यक्ति 12 दिन में पूरा काम कर देते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा है अगर 6 दिन 8 व्यक्ति 6 दिन कार्य करें, 6 दिन करते हैं, 6 दिन कार्य करने के बाद 2 इंसान और आ जाते हैं, तो 6 दिन तो काम कर लिया, 6 दिन काम कर लिया, अब कुछ काम बचा होगा ना, 6 दिन करके कुछ काम बचा होगा, तो उसके लिए 2 आदमी और आते हैं। तो उसने पूछा कि शेष काम कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। अब दिया प्रत्येक को 20,000 रुपए के हिसाब से 2 घड़ियां, प्रत्येक को 20,000 रुपए के हिसाब से 2 घड़ियों के विक्रय से व्यापारी एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, शुद्ध परिणाम क्या है। देखो इसमें एक शुद्ध परिणाम पूछा उसने, इसमें 1% का लाभ, इसमें पहला ऑप्शन है कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगी, 5% का लाभ होगा, 1% का लाभ होगा, 1% की हानि होगी। तो देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसमें इसमें हमेशा हानि ही होती है, लाभ हानि का टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं उसमें, आपको देख लेना, उसमें हमेशा अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है उसमें हमेशा हानि ही होती है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट आता है ऐसा ऐसा होता है, देखो जैसे कि 10 10 दिया है तो 10 प्लस हानि है तो 10 × 10 करेंगे बटे 100 आएगा, इधर माइनस लग जाएगा ना, 10 माइनस प्लस माइनस की 10, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ही माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, एक एक का एक, तो माइनस का एक बचेगा तो हमेशा एक ही हानि होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर 2% की हानि, अगर 1% एक चीज बेचने पर अगर 20% का लाभ होता है और 20% की हानि होती है, तो हमेशा होना 6 4% की हानि होती है। अगर एक 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही, तो हमेशा 1% की हानि होती है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है। उसने पूछा एक कैसेट प्लेयर का सूची मूल्य 40% का लाभ देगा, 19% प्राप्त करने के लिए सूची मूल्य पर कितनी छूट प्रदान चाहिए, कितनी छूट प्रदान करना चाहिए, ठीक है। इसको आप करो, ठीक है। देखते हैं, एक कैसेट प्लेयर का सूची मूल, मान लो सूची मूल उसकी 100 होगी, तो सूची मूल उसके कितना रखा होगा, उसने 140 सूची मूल रखा होगा, ठीक है। और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए सूची 19% का लाभ प्राप्त करना है, अगर 140 से बेचे तो 40% का लाभ होगा, उसे कितनी लाभ प्राप्त करना है, 19% का लाभ प्राप्त करना है, तो उससे कितने बेचेगा, वो 119 में ही बेचेगा। तो उसने कहा है कि सूची मूल पर कितनी छूट दी, कितनी छूट दी उसने, 21 की छूट दी, छूट कहाँ पे दी, 140 पे दी, × 100, 7 21, 7 2 14, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 2 10, तो कितनी छूट दी, 5 3 15% की छूट दी उसने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 20 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी, ठीक है, करो इसको।
ठीक है, इसको पहले 81 किलोमीटर को लिए भाई, मीटर में चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, 81 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, कितने का इंटू करना पड़ेगा, 1000 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 1000 हो गया। ठीक है, 81,000। अब 1 मीटर, इसको मिनट प्रति मीटर में चेंज करना है, तो इसमें 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 कम 6, 36, 18, 6 पंच 30, 0। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, 1350 मीटर 1 मिनट में जा रहा है। तो उसने पूछा क्या है, 20 मिनट में वह कितनी मीटर चलेगा, इसमें 20 का इंटू कर देंगे अपन। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 0 2 5 10 3 2 26, 26,000 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है 27,000 कुछ, इंटू में गड़बड़ हो गया, 26 दूनी, हाँ 27 आएगा, 26 13 दूनी 26 1 27, 27,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 360 रुपए को अब्दुल बाबू को चंद्र में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए, तो बाबू को कितने रुपए प्राप्त होंगे, भैया बाबू को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, कुल रुपए कितने हैं, 360 कुल रुपए हैं, किस अनुपात में दिया है, 2:3:4 में। ठीक है, अनुपात का योग कितना हो गया, 3 4 7 2 9 इंटू, पूछा क्या उसने, तो बाबू बाबू का क्या है, 3, तो 9 चौको 36 चातिया 12, 120 अब्दुल बा 120 बाबू रुपये बाबू को रुपये प्राप्त होंगे, 120 दूसरे नंबर के ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 25 विक्रेता 10 दिनों में 1,000 रुपये कमाते हैं, 25 विक्रेता 10 दिनों में 1,000 रुपये कमाते हैं, तो 15 विक्रेता 15 दिनों में कितने रुपये कमाएंगे। ठीक है, इसको आप कीजिए 1 मिनट में, ठीक है, देख लो, मानी 25 विक्रेता 25 10 दिनों में 1,000 रुपये कमाते हैं, तो एक दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं वो, अगर 1,000 रुपया वो 10 दिन में कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितने कमा रहे हैं वो, 100 रुपये कमा रहे हैं एक दिन में, 100 रुपये 25 विक्रेता कमा रहे हैं, अगर एक विक्रेता कितने रुपये कमाएगा, एक विक्रेता कितने रुपये कमाएगा, 100 बटे 25, 25 चौको 100, मान लो एक विक्रेता एक दिन में 4 रुपये कमाएगा। अब वो बोल रहा है अगर 15 दिनों में 15 विक्रेता कितने रुपये कमाएंगे, अगर एक विक्रेता एक दिन में 4 रुपया कमा रहा हो, तो 15 विक्रेता एक दिन में कितने कमाएंगे, 15 चौको 60, और 15 ही दिन में कमाने, 15 ही दिन में कमाना है। ठीक है, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 900 रुपये कमाएंगे 15 दिनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजा बाएं मुड़ने से पहले उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, इस बाएं मोड़ को लेने के पश्चात 4 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा, इस बार 6 किलोमीटर चलने के पश्चात
वो बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलने के पश्चात रुक गया। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? ठीक है, देखते हैं। राजू बाएं मुड़ने की पहले उत्तर दिशा की ओर चला। ठीक है, चलो अपन ने भाई उत्तर की ओर चला दिया। उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला है, यहाँ पे खड़ा है वो। अब बोला है वो बाएं मोड़ लेने से पहले 3 किलोमीटर चला हुआ। ठीक है, 3 चला गया इधर को। अब फिर वो बाएं बाएं इधर को मुड़ना है उसके लिए। इधर मुड़ा वो, कितना मुड़ा? बाएं मोड़ चला, फिर वो 4 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो 6 चला, फिर वो मुड़ा इधर को, फिर वो 8 चला। अब इस बिंदु बताना है अपने को, तो ए इसको जो ओ है ना, ओ से इन तक की उसकी स्थिति बताना है। ठीक है, तो ए 8 है, ए 4 है, इन तक का 4, तो इन तक का भी 4 हो जाएगा, तो ए भी 4 हो जाएगा। ए 4 हो गया, ए भी 4 हो गया। अगर ए 3 है और पूरा 6 है, तो ए भी 6 हो जाएगा। तो पाइथागोरस में ए सॉरी 3 हो जाएगा, ये वाला भी 3 हो जाएगा। तो पाइथागोरस में का संबंध है 3 4 5 का संबंध है। तो 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 198 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा के एक समबाहु त्रिकोण को बनाने के लिए एक तार को मोड़ा जाता है। वृत्त को बनाने के लिए तार को फिर से आकार दिया जाता है। वृत्त का व्यास कितना है? उसने पूछा वृत्त का व्यास कितना है। ठीक है, ठीक अपन करते हैं। उसने कहा है कि 198 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा के एक समबाहु त्रिकोण को बनाने के लिए एक तार को मोड़ा जाता है, और वृत्त बनाने के लिए तार को फिर से आकार दिया जाता है। ठीक है, वृत्त बनाने के लिए फिर से आकार दिया जाता है। वृत्त का व्यास कितना होगा? ठीक है, जो समबाहु त्रिभुज बना है, पहले तो समबाहु त्रिभुज बना है उसका। ठीक है, उसकी एक भुजा 198 है, 198 है, 198। ठीक है, ये बन गया। उसने कहा है कि वृत्त को बनाने के लिए तार को फिर से आकार दिया जाए, जो इसकी भुजा थी ना, इसको फिर आकार बनाना, वृत्त बनाना उसके लिए। ठीक है, तो जो इसका परिमाप कितना आएगा? 198 × 3, 3 8 24, 3 9 27, 27। पाँच सौ चौरानवे आएगा। तो 594 कहा गई वृत्त की परिधि आ गई। वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? वृत्त की परिधि का 2 594 उसकी परिधि थी, 2 पाई आर। ठीक है, तो 22 से काट दिया, 11 से काट दिया, 2 बर गया 11, इसको काटा 11 5 55, 11 4 44। ठीक है, अब देखो 7 चौको, इसको इंटू हो जाएगा इधर, तो 7 चौको 28 हो गया। हासिल कितनी आई? 2 आई।
सात पना 35 35 36 37, 37 हो गया। अब इधर बटे में ये दो दूनी चार जाएंगे, चार नीचे आएंगे, बराबर आर हो गई। ठीक है, बराबर आर हो गई अपनी। ठीक है, अपन को ब्यास ज्ञात करना है। ब्यास कितना दोगुना होता है इससे? ब्यास ब्यास हमेशा त्रिज्या से दोगुना होता है, तो इसी में अपन दो का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ये ब्यास बन जाएगा। ठीक है, दो से दो दूनी चार हो गया, दो एकम दो आ गया, दो अट्ठे 16 हो गया, दो नम 18, दो नम 18 हो जाएगा, तो 189 इसका आंसर होगा। 189, 189 ये चौथे नंबर का इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 13 वो न्यूनतम संख्या है जिससे कि 119 से घटाना पड़ेगा ताकि शेषफल पूर्ण रूप से, सॉरी, वो न्यूनतम संख्या जिससे जिसे कि 119 से घटाना पड़ेगा ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 23 से विभाजित हो सके। ठीक है, 23 से विभाजित करना, तो क्या घटाना पड़ेगा उससे? ठीक है, करो आप। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, 319 में 23 का भाग दे देंगे, वही तो पूछा कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो जैसे 319 में अपन कितने का भाग दे देंगे, 23 का भाग दे देंगे, कितनी बच जाएगा, 23 एकम एक, कितना बचे, 8 बचे, कितने बच जाएगा अब, 23 दूनी 23 तिया 69, 23 तिया 69। ठीक है, 23 तिया 69, तो 89 में से 69 23 तिया 69, तो कितना बचा, 20, 20 तो बचेगा, तो 20 20 घटा देंगे ना अपन, इसमें से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 369 बचेगा, 369 बचेगा, जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही तो कहा था उसने वो न्यूनतम संख्या जिससे कि 319 से घटाना पड़ेगा ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 23 से विभाजित हो सके। 23 अपन ने क्या किया, 23 से उसको भाग दिया, जो शेषफल बचा उसको घटा दिया अपन ने, जो शेषफल बचा वो इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या होगी। ठीक है, माना कि 4/4, माना कि लड़के लड़के 5 हैं, 4/5 लड़के हैं, माना कि कुल बच्चे 5 हैं। ठीक है, कुल बच्चे 5 हैं, तो लड़के कितना हो जाएंगे, 4/5, 5 × 5, अगर 4 लड़के होंगे तो लड़की कितनी होंगी, 4 बॉय हो गए, तो गर्ल्स कितनी होंगी, एक गर्ल्स होगी। अगर एक का मान कितना है, एक का मान कितना है, 2000 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, एक का मान कितना है, 200 है, तो लड़कों 4 का मान कितना होगा, 2 × 4 बराबर 800, तो 800 कुल लड़के होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक फोन खरीदा और विक्रेता से 5% की छूट प्राप्त की, उसने अपने क्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर उसे बेच दिया, फोन के वास्तविक मूल्य में उसका प्रतिशत क्या है, आप कीजिए इसको। ठीक है, चलो अपन करते हैं इसको। उसने कहा था कि एक व्यक्ति ने एक फोन को खरीदा और विक्रेता से 5% की छूट प्राप्त की, मतलब वास्तविक मूल्य उसका 100 रुपये था, और 5% की छूट प्राप्त की, उसने 5% की छूट प्राप्त की, तो उसने 95 रुपये में खरीदा होगा,
95 रुपये में खरीदा होगा। अब वो उसने 95 रुपये उसने इतने पर उसने अपने क्रय मूल्य पर इसी पर बेच दिया, तो उसे 10% का लाभ पर बेच दिया, उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो वास्तविक मूल्य में मतलब 100 में उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है, इसने इसमें बेचा, उसको लाभ कितने का हुआ? 10% का लाभ हुआ। तो 10 से 10 कट गई, 11 5 55, 11 9 99 5 104। अब 10 से काटेंगे कितना होगा? 104% आया। उसने पूछा वास्तविक मूल, वास्तविक मूल था 100, वास्तविक मूल था, उसने पूछा था वास्तविक मूल से कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 100 रुपये का था, 104 में बेच गया, तो कितने का लाभ हुआ उसके? 4.5 का लाभ हुआ, जो कि 4.5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपने रीजनिंग के पूरे सवाल हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।